आखिर भगवान राम के देह त्यागने के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आखिर कैसे भगवान श्री राम की संतानों यानी कि लव और कुश ने राज्य को संभाला और कैसे सूर्यवंशियों का वंश आगे बढ़ा? जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि रावण का अंत करने के बाद श्री राम माता सीता को अपने साथ वापस अयोध्या ले आए। तब माता सीता को ये नहीं पता था कि उनके लिए अभी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और एक दूसरी परीक्षा अभी भी उनके मार्ग में खड़ी है। तब श्री राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को ही त्याग दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जब माता सीता का रामचंद्र जी ने त्याग कर दिया तो वो वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई, जहाँ उन्होंने अपने दो बेटों को जन्म दिया जिनका नाम था लव और कुश। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये कहा जाता है कि माता सीता के पति श्री राम का प्रेम उनके लिए कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने सीता को त्यागने के बाद कभी भी दूसरी शादी नहीं की, यानी कि किसी दूसरी रानी को कभी घर लेकर नहीं आए। वे सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ यज्ञ में एक सोने की मूर्ति यानी कि सोने की सीता जी बनाकर उसे बिठाते थे। सोने की मूर्ति इसलिए क्योंकि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। आइए अब जानते हैं जब भगवान श्री राम ने राजपाट छोड़ दिया तो उसके बाद रघुवंशियों का क्या हुआ? आखिर किसने शासन किया भगवान श्री राम के राजपाट छोड़ने के बाद? कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां पर शासन संभाला। उन्होंने कुमदवती से विवाह किया और अदिति के पिता बने। उसके बाद अदिति के पुत्र हुए निषाद और निषाद के पुत्र हुए नर। नर के बाद उनके पुत्र थे नव और इस तरह से वंशावली आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते पहुंची महाभारत काल तक। महाभारत काल के राजा थे वृंदवल। इतिहास में वृंदवल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में किया जाता है। भगवान श्री राम के ही वो वंशज थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमेशा धर्म के पथ पर चलने वाले भगवान श्री राम और उनके वंशज वृंदनल कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ लड़े थे। इसके पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल इसके पीछे की कहानी है कि कहते हैं जब युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ किया था उस समय पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने वृंदवल को परास्त कर दिया था, जिसकी वजह से उसके साम्राज्य पर पूरी तरह से युधिष्ठिर का आधिपत्य हो गया था। और चूंकि युधिष्ठिर उस समय चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे, लेकिन दुर्योधन और स्वयं उसके मामा शकुनी के प्रपंच और षड्यंत्र के चलते उन्हें वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा। जब वो लोग अज्ञातवास में थे तब दुर्योधन के वैश्य यज्ञ दौरान कर्ण ने वृंदवल पर हमला कर दिया और उसे परास्त कर दिया। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, किंतु जानकर हैरानी होगी कि श्री राम के वंशज इस योद्धा ने पांडवों की तरफ से नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वैष्णव यज्ञ के दौरान जब कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की तब उन्हें परास्त किया और उनके साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। बाकी अगर बात करें वृंदवल के युद्ध कौशल की और उसकी शक्ति की तो वो बेहद ही शक्तिशाली थे, लेकिन अर्जुन के पुत्र महाधनुधारी अभिमन्यु के आगे टिक नहीं पाए। और महाभारत के युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के बाणों से आघात होकर वीरगति को प्राप्त हो गए। उस समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर रहा था तब इन्हीं को ये दायित्व दिया गया था कि ये चक्रव्यूह के बाहर सभी पांडवों का सामना करें। लेकिन उस समय अभिमन्यु इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ विनाश करता हुआ चक्रव्यूह को भेदता चला गया। बाकी आप अगर इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस पर भी हमने वीडियो बनाई है जिसमें आप विस्तार से वृंदवल के बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने क्यों पांडवों का साथ ना देकर अधर्म की तरफ साथ दिया, जो कि हमारे चैनल अनोखी दुनिया पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप महाभारत का पूरा वृत्तांत जान सकते हैं। अब चलिए वापिस आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। हमारे पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी दो दो पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के दो पुत्र हुए ताश और पुष्कर, वहीं लक्ष्मण जी के पुत्र थे चित्रांगद और चंद्रकेतु। शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और शूरसेन। कहते हैं मथुरा का नाम पहले शूरसेन ही था। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला और उस समय में भरत जी का राजाभिषेक होने वाला था, लेकिन भरत जी नहीं माने। उन्होंने दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश को और उत्तर कौशल प्रदेश में लव का अभिषेक कर दिया।
भगवान राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्र के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने पुत्र लव को श्रास्वती और कुश को कुशवाली का राज्य दिया था। श्रास्वती जो कि लव को मिला था वो राज्य उत्तर भारत का था और कुश का दक्षिण भारत का राज्य था। वहीं रघुवंश चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पार करना पड़ता था। इससे ये भी सिद्ध होता है कि उसका राज्य दक्षिण कौशल में था। कुश की राजधानी कुशवाली आज भी बिलासपुर जिले में है और कौशल को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। लवपुरी को बाद में लोहापुर के नाम से जाना जाने लगा, जो वर्तमान स्थिति में लाहौर है और ये आज पाकिस्तान में है। यहाँ तक कि इनके किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगरी लोहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए थे। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद लव के वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में जाकर बस गए, जहां इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक भी सूर्य है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बरगुजर जयास और सिकरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजवंश की थी, जिसमें पैछार और गहलोत वंश के राजा हुए। कुश ने कुशावली राज्य की स्थापना की, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ फैलाया और ऐसा भी माना जाता है कि थाईलैंड के राजा इसी वंश के थे। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। साथ ही कुश ने कुशावही यानी कि कच्छ राजपूतों का वंश चलाया। इसके अलावा मौर्य सैनी संप्रदाय की स्थापना कुश के वंश से ही हुई। जेबी मित्तल की किताब हिस्ट्री ऑफ अथॉरिटी इंडिया के अनुसार कुश की मृत्यु एक असुर के वध से हुई थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण कुश के ही वंशजों का वर्णन ज्यादा इतिहास में मिलता है। पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिनमें से एक का नाम गौतम बुद्ध भी है। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को ही माना जाता है, जिन्होंने नंद वंश के संस्थापक पद्मनाथ को हराकर अयोध्या को अपने कब्जे में ले लिया था और ये समय ईसा पूर्व से 262 से लेकर 420 तक रहा होगा। जब अयोध्या के राम मंदिर वाले मामले पर सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि क्या राम के वंशज आज भी अस्तित्व में हैं, तब जयपुर के राज परिवार में से दिया कुमारी ने पत्रावली के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिसमें अयोध्या के सभी राजाओं के नाम कर्म अनुसार लिखे हुए थे और इसमें राम के वंशज के रूप में 289 नंबर पर वंशज अमर जयपुर के सिवाई राज सिंह का नाम था और इसी क्रम में 307 वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराज भवानी सिंह का नाम मिलता है। राजकुमारी दिया एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं। तो इस तरह से आज भी ये वंशावली चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम भगवान श्री राम के ही अंश हैं, क्योंकि हमारा भारत अखंड भारत है। इसके बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी श्री राम के वंशज होने का गर्व महसूस कर सके। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री राम।